Dear friends, today I am with you with the third lesson, and as you know, we people are locked down, and due to this I am trying to facilitate your learning at your home. So before we start, I request you all to subscribe my channel Learn English with Jangir Sir. And today we will deal one very important topic in English, that is sentence. So dear children, first of all we shall discuss what is a sentence. A sentence is a group of words which gives complete meaning. It means there are two things: collection of words as well as meaning. If meaning is missing, it is not a sentence. So it must give us a clear cut meaning. अर्थ भी आना चाहिए उसका, और शब्दों का समूह वो होता ही है. जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, वी आर लर्निंग इंग्लिश, देर आर फोर वर्ड्स, और कोई भी हमें ये बोले या हम पढ़ते हैं तो क्लियरली हमारे मीनिंग समझ में आता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं. उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, ही हैज़ डन हिज वर्क. तीसरा एग्जाम्पल है, दे आर नॉट माई एनिमीज. और चौथा है, आर यू फीलिंग हैप्पी. तो इस तरह से शब्दों का ऐसा समूह है जो एक विशेष या एक साफ सुथरा अर्थ देता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. इसके बारे में डियर चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो आप अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं. तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन माई रिसर्च ऑफ 21 ईयर ऑफ टीचिंग इंग्लिश. तो बेसिकली मैंने इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज करा है. एक है बेसिक सेंटेंसेस और दूसरा है ट्रांसफॉर्म्ड. बेसिक का मतलब वाक्यों के मूलभूत प्रकार, और इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, उनकी एक स्पेशल नेचर होती है, और उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके हम दूसरे सेंटेंस में बदल नहीं सकते. दूसरी जो टाइप है वो है ट्रांसफॉर्म्ड. जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इनका पैटर्न इस तरह का होता है कि इफ़ यू मेक अ लिटल चेंज, इफ़ यू एड और रिमूव समथिंग, देन यू विल गेट अ न्यू टाइप ऑफ सेंटेंस. अब हम बात करते हैं बेसिक की. बेसिक के अंदर तीन तरह के सेंटेंसेज होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. इनको हिंदी में आप कहते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य. सबसे पहले वी शैल डिस्कस सिंपल सेंटेंस. अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ वन सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब. समझिए बात को, इसमें एक सब्जेक्ट जरूरी होता है और एक वर्ब, और वर्ब भी ऐसी होती है फाइनाइट वर्ब. यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब विच कैन बी चेंज्ड, जो इनफाइनाइट नहीं होती है, इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वर्ब है लव, तो इसको हम लव्ड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, या लव्स कर सकते हैं, ओनली लव आ सकता है, लविंग आ सकता है, इस तरह से. और इस तरह के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल हैं, ही लव्स फ्रूट्स, दे प्ले क्रिकेट. इसमें आप देखिए सब्जेक्ट है पहले सेंटेंस में ही, और दूसरे में पहले में वर्ब है लव. इसी तरह से दे सब्जेक्ट है और प्ले आपकी वर्ब है. दूसरी टाइप ऑफ सेंटेंस है कंपाउंड. इट इज़ मेड अप ऑफ टू क्लोजेस. पहले हमने लेसन नंबर 2 में डिस्कस करा था कि क्लोज क्या होता है. तो इसमें दो क्लोज होते हैं, दो से ज़्यादा क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता है कि दीज क्लोजेज आर इनडिपेंडेंट इन नेचर. इट मीन्स वो एक दूसरे के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं करते हैं, और इनके बीच में कोई ना कोई एक कंजक्शन आता है. इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ कि कौन से कंजक्शन आते हैं. ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, और इसके अंदर एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिए, फैन बॉयज, एफ ए एन बी ओ वाई एस. एफ का मतलब फैन बॉयज में, एफ का मतलब हो गया फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, और एस का मतलब सो. यानी ये 7 कंजक्शन नॉर्मली कंपाउंड सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के काम में आते हैं.
जैसे आप एग्जांपल देखिए, आई एम टीचिंग एंड माय डॉटर इज स्टडिंग, देर आर टू क्लोजेस, आई एम टीचिंग वन क्लोज, माय डॉटर इज स्टडिंग अनदर क्लोज, एंड वन कनेक्टर एंड इज यूज्ड. सिमिलरली इन द सेकंड सेंटेंस यू सी, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, दो क्लोज हैं, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट. जब हमने इनको बट से कनेक्ट किया तो ये बन गया ही इज पुअर बट ऑनेस्ट. नाउ वी मूव ऑन टू आर थर्ड टाइप, दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें भी दो या दो से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, बट वन क्लोज इज डिपेंडेंट इन नेचर ऑन अदर क्लोज. इसमें एक सबॉर्डिनेट क्लोज होता है और एक प्रिंसिपल क्लोज होता है, और सबॉर्डिनेट क्लोज मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पे डिपेंड करता है. जैसे आप देखिए, इफ़ वी स्टे एट होम वी विल डिफीट कोरोना, तो इसमें प्रिंसिपल क्लोज है वी विल डिफीट कोरोना. इफ़ वी स्टे एट होम, ये आपका सबॉर्डिनेट क्लोज है. इनका जो सेंटेंस में सिक्वेंस है वो कैसे भी हो सकता है, प्रिंसिपल क्लोज पहले आ सकता है या बाद में आ सकता है. दूसरा एग्जाम्पल है, आई डोंट नो वेयर ही इज, आई डोंट नो एक क्लोज है, वेयर ही इज दूसरा क्लोज है. डियर चिल्ड्रन, नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेज. दीज सेंटेंसेज आर ऑफ सिक्स टाइप्स: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. एफर्मेटिव के लिए कुछ और भी नाम हो सकते हैं, जैसे सिंपल कह सकते हैं, डिक्लेरेटिव कह सकते हैं, ये सकारात्मक वाक्य हैं. दूसरा है नेगेटिव, दैट इज नकारात्मक. इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. अब हम इनको डिटेल में वी शैल डिस्कस वन बाई वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, अफर्मेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, इनको सब आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं. दीज सेंटेंसेज फॉलो ए स्पेशल पैटर्न, ए स्पेसिफिक पैटर्न, और इसका जो पैटर्न होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज ए सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब. वर्ब के दो हिस्से हो सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, और उसके साथ मेन वर्ब. उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और इसमें कोई एडजंक्ट, कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई एडिशनल वर्ड हो सकता है. जैसे आप एग्जांपल देखिए, शी इज कुकिंग फूड फॉर अस, इसके अंदर शी सब्जेक्ट है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, कुकिंग मेन वर्ब है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है, और फॉर अस एडजंक्ट है. इसी तरह से दे हैव गॉन आउटसाइड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन. तो आई होप यू अंडरस्टूड इट. Now we go to our second type, that is negative type. Transformed में second type है negative. इसका structure कुछ इस तरह से है, इसमें subject आएगा, subject के बाद helping verb आएगी, helping verb के बाद not आएगा, then verb, then object, और then there may be any adjunct. See the example, she is not cooking food for us, they have not gone outside, the children are not playing. इसमें जो खास बात ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगाना होता है, और उसके बाद वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू द टेंस. टेंसेज में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ द डिफरेंट टेंस फॉर्म्स आर यूज्ड. हमारी अगली टाइप है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव जिसमें वी आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न जिसमें हम पूछते हैं, और ये सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, इनकी सब टाइप है. एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, जिसके अंदर कोई क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू एच वर्ड आता है, और इंग्लिश के अंदर देर आर 9 डब्ल्यू एच वर्ड्स: व्हाट, व्हाई, वेयर, विच, हु, हुम, हुज, व्हेन एंड हाउ. अगर इनकी हेल्प से हम बनाते हैं तो वो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनते हैं. जैसे व्हाट आर यू डूइंग, यानी सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद कोई एडजंक्ट भी हो सकता है. इसी तरह से यू सी द सेकंड एग्जांपल, व्हेन डिड यू बाय योर न्यू हाउस. देखिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड व्हेन है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट आपका यू है, बाय मेन वर्ब है, योर न्यू हाउस इसमें आपका ऑब्जेक्ट है, और इसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन काम में लेना चाहिए. इसकी जो दूसरी टाइप है वो है एच वी टाइप, मीन्स हेल्पिंग वर्ब टाइप, और इसका एक नाम और भी है यस नो टाइप.
This is called yes no type, because the answer you always get either in yes or in no. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है. आप डब्ल्यू एच वर्ड वाले स्ट्रक्चर में से डब्ल्यू एच अगर हटा देते हैं तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है वो हेल्पिंग वर्ब टाइप का होता है. इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन योर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई और एडजंक्ट उसमें आ रहा है सो दैट कैन बी यूज्ड. एग्जाम्पल आप देखिए, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, टेकन वर्ब है, योर ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट है. डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, विल यू हेल्प मी. तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं, दे आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. नाउ वील मूव ऑन टू आर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टाइप, दैट इज इम्पेटिव. ये अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, इनका कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ये सेंटेंसेज एक्सप्रेस करते हैं कोई रिक्वेस्ट या कोई प्रोहिबिशन या कोई ऑर्डर या कोई प्रपोजल एटसेट्रा. जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, प्लीज हेल्प मी, अक्सर रिक्वेस्ट के लिए वी पीपल यूज प्लीज. अगर वो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है तो वो कोई ऑर्डर कमांड हो सकता है, जैसे डू यू वर्क, स्टे एट होम. प्रोहिबिशन वाले सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, और जो प्रपोजल वाले सेंटेंसेज होते हैं दैट वी स्टार्ट विद लेट. अब हम बात करेंगे ऑप्टेटिव की. ये इच्छा सूचक होते हैं, हिंदी में इनको इच्छा सूचक कहते हैं, एंड दीज सेंटेंसेज एक्सप्रेस ब्लेसिंग्स, कर्सिंग एंड विशिंग. जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू गो टू द हेल, ये कर्सिंग है. गुड मॉर्निंग डैडी, ये विशिंग है. मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये भी विशिंग है. नाउ वी मूव ऑन टू आर लास्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंसेस, दैट इज एक्सक्लेमेटरी. जैसा आप देख सकते हैं इसमें आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें आपको काम में लेना होता है. और आपको हमने बताया था पार्ट ऑफ स्पीच के टाइम बेसिक्स के अंदर कि हमारे जितने भी जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं, दे आर यूज्ड इन दीज सेंटेंसेज. एंड सिमिलरली दीज सेंटेंसेज ऑल्सो एक्सप्रेस सडन एक्सप्रेशंस, सडन इमोशंस, और वी कैन से एक्सक्लेमेशंस. जैसे हुर्रे, माई ब्रदर हैज वन, खुशी, हैप्पीनेस. अलास, सैडनेस, ही इज अंडन. वाह, व्हाट अ ग्रेट शॉट. आउच, फियर को दिखा रहा है, देयर इज अ कॉकरोच. तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आते हैं. सो डियर चिल्ड्रन, ये आज के लेसन में बस इतना ही. स्टे कनेक्टेड, स्टे एट होम. टुमारो आई विल अगेन कम विद अ न्यू चैप्टर, अ न्यू टॉपिक. आई होप यू पीपल आर लाइकिंग माई लेसन्स. थोड़ा सा समय आप निकालिए और इसको ध्यान से देखिए, थोड़ा वर्कआउट करिए. सो आई होप दे विल बी यूजफुल फॉर यू, एंड आई ऑलवेज वेलकम योर सजेशंस. कल कुछ हमारे व्यूवर्स ने सजेशंस दिए, उनको मैंने आज फॉलो किया है. और आज ये एक नए टाइप में, आज वीडियो लेसन नहीं है, आज एक पीपीटी के फॉर्म में और एक नरेशन के फॉर्म में मैं आपके सामने आया हूँ. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. जय हिंद, जय भारत. दोस्तों, आज का जो ये लेसन है, चूँकि लॉकडाउन की वजह से वाइट बोर्ड की प्रॉब्लम है तो कंप्यूटर की मदद से आज मैंने ये तैयार किया है. कल कुछ व्यूवर्स ने सजेशन दिया था कि जो बोर्ड पे लिखा हुआ वो दिख नहीं रहा है, तो इसी के लिए मैंने आज ये कंप्यूटर की मदद से किया है. तो शायद आज आपको ये पसंद आएगा. फिर भी कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए. थैंक यू.